गंडमूल दोष, एक ऐसा दोष जो आपके माता पिता के लिए घातक हो सकता है। जिन बच्चों में गंडमूल दोष होता है उनके परिवार के लिए या उनके माता पिता के लिए वे अनलकी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस दोष के कारण जीवन रुक सा जाता है और माता पिता को कई हानि होती है, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके जॉब में, उनके व्यापार में, उनके जीवन की हर घटनाएं नकारात्मक होने लगती हैं। अब सवाल ये उठता है कि गंडमूल दोष ये है क्या, ये दोष क्यों बनता है? तो इसके पीछे मूल कारण है नक्षत्र। आपको पता होगा कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, या यूं कहें एक गुप्त नक्षत्र भी है जिसमें राम जी ने जन्म लिया था, जिसे हम 28वां नक्षत्र भी कहते हैं। तो यूं कहा जाए कि हर राशि में लगभग 3 नक्षत्र होते हैं। तो नियमतः गंडमूल दोष तब होता है जब कोई भी व्यक्ति मर्क्यूरी अर्थात बुध और केतु के नक्षत्र में पैदा होता है। अर्थात बुध और केतु के नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति पे ही यह गंडमूल दोष लागू होता है। अगर कोई बच्चा बुध के और केतु के नक्षत्र में पैदा होता हो, वो नक्षत्र कौन से आपको बताता हूँ, अश्विन नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, माघ, ज्येष्ठ, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे ही केवल गंडमूल दोष में लगते हैं। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हर राशि में, या यूं कहे मर्क्यूरी हो, केतु हो, अर्थात आपके शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, सब पे 3 नक्षत्र होते हैं, सबके साथ 3 नक्षत्र जुड़े होते हैं। उनमें से बुध और केतु के जो 3-3 नक्षत्र अर्थात 6 नक्षत्र है, वही गंडमूल दोष कहलाते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, इसके भी उपाय है। यूं कहा जाए तो 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र अर्थात दुनिया में लगभग 18-20% लोग इस दोष से ग्रसित हैं, लगभग 20% लोग, आप समझ सकते हैं 27 से 6 मतलब 20 क्या 22-23% लोग किसी ना किसी रूप में। हाँ, कुछ गंडमूल दोष बड़े घातक होते हैं, जैसे साक्षात अगर बच्चा मूल में पैदा हुआ हो तो, और कुछ दोष हल्के होते हैं, मध्यम होते हैं या न्यूनतम होते हैं, जैसे कि अश्लेषा नक्षत्र हुआ, उसमें भी अगर दोष न्यूनतम है तब कोई उपाय ना करे तब भी ठीक है, लेकिन उपाय करना अच्छा होता है। नहीं तो इसके उपाय के लिए आपको जब बालक या बच्चा 27 दिन का होता है उसके बाद एक पूजा की जाती है। अगर आपको पता नहीं है और आपका बालक गंडमूल दोष में पैदा हुआ है, समय निकल चुका है, तो एक उपाय और है, और वो उपाय ये है कि आप रेमेडीज के रूप में उस बालक के लिए या उस बच्चे के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं, इससे भी गंडमूल दोष शांत होता है। खैर, उपाय की विधिवत जानकारी हम आपको अलग से दे देंगे, अभी केवल मकसद है कि गंडमूल दोष होता क्या है। तो इनका लेना देना ग्रहों के नक्षत्र से होता है, 6 नक्षत्र, केवल वही 6 नक्षत्र में अगर बालक पैदा होता है तभी गंडमूल दोष कहलाता है।